क्या लग रहा है, बदलाव है सर कि क्या है? किस चीज का बदलाव? ये पॉल्यूशन हो रहा सर। खाली इतना बदलाव, मैं चाय के होटल पे आ गया। अच्छा। जिस जगह पे आप है, पहले मैं सवाल करता था ऐसी लोगों से जैसे आप कर रहे हो। जो 10-20 हजार रुपए वो भी खा गए गुटकों में। गुटकों में पूछो बच्चों से। क्या करें क्या करें, काम धंधे ही ना आया। जो जमा पैसे थे एक साल से, जो कमाए, जो एक साल से पैसे हमने जमा करे थे 10-20 हजार रुपए, वो तो खर्च हो गए लॉकडाउन में। ये जो है बीजेपी बिल्कुल खत्म कर रही है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बदलाव होना तय है और अखिलेश यादव की सरकार आनी तय। बीजेपी तो बस बड़े बड़े वादे दिखाती है और कुछ करती है नहीं। मोदी के राज में कुछ नहीं है, बैठे हुए रकम लगा के बोनी तक नहीं होती है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है मोदी के राज में। मोदी के राज में धंधे नहीं है, सिर्फ भूखा मरना है बस और कुछ नहीं। क्यों लग रहा है कि साइकिल जीतेगी? जीतेगी तो जीतेगी। साइकिल पंचर भी तो हो सकती है? नहीं हो सकती। कमल मुलजा भी तो जा सकता है। हम तो यही देख रहे हैं सर, अखिलेश ही निकलेगा इंशाल्लाह। ऐसा है ना, ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा सिवाए भिड़वाने के। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, हाँ हिंदू मुस्लिम एक, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करा इसने। बताओ क्या करा है? कोई भी उठा के देख लो, मंदिर बना के बताओ कर के लेंगे। जो घर के पास के मंदिर है उसमें तो जा नहीं रहे, वहां जाके वहां जाएंगे, वहां क्या करेंगे? नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनावी उथल पुथल में है। यहाँ पर सर्दी ज्यादा है मगर राजनीतिक गर्मी इस कदर से बढ़ी हुई है कि लोग सर्दियों में भी बाहर निकल रहे हैं और अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को या पार्टी को वोट देने की तैयारियों में लगे हैं। तो अलीगढ़ के एक मार्केट में है, बाजार में है, कुछ युवाओं से जुड़ेंगे और कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आदिल। सर तो आदिल साहब, क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे? इस बार चुनाव के मुद्दे यही है कि जिसको जो रोजगारी दे, अच्छे काम करे, क्योंकि बीजेपी का मसला तो ये रहा कि उन्होंने आने वाले 9-5 सालों में ना तो पहले कुछ करा ना अब कुछ करा। यहाँ के जो क्या कहते हैं शहर के विधायक हैं, उनको तो यही नहीं पता कि जमालपुर में गलियाँ कितनी है, मस्जिद कितनी है, जगहें कितनी है, वो आज तक झाँके ही नहीं जमालपुर में। तो शहर के विधायक का ये काम थोड़ी रह गया कि गलियाँ गिनते रहे? गलियाँ ना गिने, आकर देखें तो सही। आज तक उन्होंने यही नहीं देखा, शहर से बाहर ही ना निकले वो, घर से बाहर जो आकर देखेंगे। तो लग रहा होगा ना कि आप वोट नहीं कर रहे तो क्यों आए आपके पास? वोट क्यों नहीं दे रहे? जब इलेक्शन आते हैं तो जब तो बड़ी रैली निकाली जाती है, जब क्यों निकलते हैं? जब बैठे घर में आराम से, जैसे पब्लिक देख रही है वैसी वोट कर देगी देने के बाद में। तो क्या बदलाव की कितनी इस बार उम्मीद लग रही है? बदलाव की उम्मीद ये है कि अगर सरकार बदलती है और इंशाल्लाह आती है अखिलेश यादव की, तो बहुत कुछ बदलाव देखा जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश बदलेगा इंशाल्लाह। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है जैद। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 19 साल। वोट पहला वोट कर रहे हैं या वोट कर? पहला वोट पड़ेगा इस बार। पहला वोट बेरोजगारी को बिल्कुल मिटाना है। जैसे गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है और आपकी दिन पे दिन देख रहे हैं आप, जो नई जनरेशन आएगी उसके लिए नौकरियों के लिए मुद्दा रहेगा। ये जो है बीजेपी बिल्कुल खत्म कर रही है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बदलाव होना तय है और अखिलेश यादव की सरकार आनी तय है। अच्छा एक बात बताइए, क्यों लगता है कि बीजेपी बदला है, मतलब के खत्म कर रही है और आप बचाएंगे? बीजेपी तो बस बड़े बड़े वादे दिखाती है और कुछ करती है नहीं है। अच्छा। जी तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? साइकिल, मोटरसाइकिल के जमाने में साइकिल क्यों? साइकिल ही चलेगी अब, और कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। आइए कुछ सा, क्या नियामत खान, नियामत खान साहब जूते की दुकान है, तो क्या लग रहा है कि अगर मोदी जी आपके पास जूता लेने आए तो कौन सा जूता देना चाहिए? मोदी जी आएंगे ही ना, सब बच्चा गोल है, ना काम है ना धंधे। मोदी के राज में कुछ नहीं है, बैठे हुए रकम लगा के बोनी तक नहीं होती है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है मोदी के राज में धंधे नहीं है, सिर्फ भूखा मरना है बस और कुछ नहीं है। तो अखिलेश के क्या आने की उम्मीद लग रही है? अभी जनता देखेगी क्या फैसला करेगी जनता, क्या सोच रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा, जब आएंगे टाइम आएगा जब भी बताएंगे क्या सोच रहे हैं। जहाँ लगानी होगी वहाँ लगा देंगे। अच्छा। बस तो बदलाव हो रही है? बदलाव तो होना जरूरी है। बदलाव बिना बदलाव? क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? अनस। क्या लग रहा है अनस तुमको? साइकिल जीतेगी। अच्छा क्यों लग रहा है कि साइकिल जीतेगी? जीतेगी तो जीतेगी, साइकिल जीतेगी।
तुम्हारा तो वोट भी नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो? हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हो? हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं। तुम एकदम सलमान खान की तरह स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सलमान खान को फॉलो करते हो क्या? नहीं। अच्छा तो किसको? अखिलेश जी को? साइकिल पंचर भी तो हो सकती है। नहीं हो सकती। कमल मुलजा भी तो जा सकता है। क्या रहा 5 साल अखिलेश यादव? 5 साल भैया पामड़ा कहाँ है? पामड़ा दे दो। पामड़ा चलाया था 5 साल। अच्छा। और क्या करा? तो तेज था कि कमजोर था? जो 10-20 हजार रुपए वो भी खा गए गुटकों में। गुटकों में ऊंचो बच्चों से गुटका खा के थूक दिया आपने? थूक दिया। क्या करें क्या करें, काम धंधे ही ना आया। जो जमा पैसे थे एक साल से जो कमाए, जो एक साल से पैसे हमने जमा करे थे 10-20 हजार रुपए वो तो खर्च हो गए लॉकडाउन में। अच्छा। हमारी जेब में एक चौनी नहीं है। अब क्या करें बताओ? काम धंधे बंद हो रहे हैं, सुबह से बोनी नहीं है किसी की भी। क्या लग रहा बदलाव है सर? की क्या है? किस चीज का बदलाव? पॉल्यूशन हो रहा सर। खाली इतना बदलाव है मैं चाय के होटल पे आ गया। अच्छा। जिस जगह पे आप है पहले मैं सवाल करता था ऐसी लोगों से जैसे आप कर रहे हो। आप मुझे डर बता रहे कि कुछ दिन बाद मैं भी चाय बेचूंगा। बिल्कुल, अगर ऐसे ही रहा तो। ऐसे ही रहा तो हम लोग बंगाल के, हम लोग हटा चुके हैं भाजपा को। हम लोग तो हम भी कोशिश करेंगे जो आप कर रहे हो। अच्छा। कोशिश में कमी नहीं आएगी। कोशिश में कमी नहीं आएगी। शादी हो रखी सर आप? आपकी? नहीं मेरी नहीं। मेरी भी नहीं। जब भी तो दोनों मजे ले रहे हैं। आप भी मजे ले रहे हैं मार्केट में, मैं ही मजे ले रहा हूँ। क्या लग रहा है बदलाव? बदलाव है कुछ? हाँ थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है मतलब कितना परसेंट देख रहे? कितना बताओ? परसेंट से तो नहीं, 2-4 लोग मिल जाते हैं अपने तरफ के। हाँ। तो वो एक सी बात कह देते हैं। तरफ के लोग क्या कह तो रहे? उनकी तरफ से बदलाव है। अच्छा, उनके तरफ से कौन बदलाव कर रहा है भाई? ये नहीं मालूम मुझे। ये जुल्फी आपने बढ़ा रखी है, बाल कटाने के पैसे कम हो गए या मोहब्बत से बढ़ा? अब आपको क्या लगता है? नहीं मुझे दोनों लग सकता है। एक ही बात सच है इसमें, वाकई में पैसे नहीं है। तो लगातार युवाओं से बात कर रहे थे, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हो रहा था। बहुत सारे हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे बात कर रहे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। आप क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? भाई हम तो यही देख रहे हैं सर, अखिलेश ही निकलेगा इंशाल्लाह। आप अकेले थोड़ी अखिलेश को ही मोड़ी में थोड़ी फंसा के उसको निकाल देंगे ऐसे करके? ऐसा है ना, ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं सिवाय भिड़वाने के। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। हाँ हिंदू मुस्लिम, एक सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करा इसने। बताओ क्या करा है? कोई भी उठा के देख लो, मंदिर बना के बताओ कर के लेंगे। जो घर के पास के मंदिर है उसमें तो जा नहीं रहे, वहाँ जाएंगे वहाँ क्या करेंगे? सही बात है। जो घर के पास के जो मंदिर है जो हिंदू उनके सब हिंदुओं के दिल में राम बसते हैं। जी जी, जरूरत ही नहीं है ज्यादा दूर मंदिर में जाने की। और क्या, सही बात यही। जी बदलाव है बिल्कुल है। तो लगातार ये भाई ने चाय ऑफर करी है, हालांकि अब जो है लॉकडाउन के माहौल के बाद हालत लोगों की इतनी अच्छी नहीं है कि चाय ऑफर की जाए, बट इनका शुक्रिया। मगर लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं में जोश है। तो कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासन काल में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भाजपा समर्थकों का ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस सरकार में गुंडा मुक्त है। मगर सवाल सबसे अहम ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही गुंडा है आजम खान, क्या बाकी सभी दूध के धुले हुए हैं? तो इन सवालों के साथ और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।